लेक्चर में हम लोग कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, फिक्र मत करो, यानी फिक्र ना करो। डोंट वरी, डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ तो बोलो, यानी कुछ तो बोलिए। इसको हम लोग बोलेंगे से समथिंग, से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं करनी बात, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, यानी दिमाग टूट गया है क्या, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनकर अच्छा लगा, यानी ये सुनकर अच्छा लगा, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, यानी मैं आपका जो दर्द है समझ सकता हूँ, तो इसको आप बोल सकते हैं, आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू। घुमा फिरा कर बात मत करो, यानी इधर उधर की बात मत करो, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जाने भी दो, यानी कोई भी बात है जिसको आप कहना चाहते हैं, रहने भी दो, जाने भी दो, तो इस बात को आप कह सकते हैं, लेट इट बी, लेट इट बी, यानी रहने भी दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ मत कहो, यानी कुछ ना कहो, तो इसके लिए आप कह सकते हैं, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी दया करो, यानी थोड़ा सा कुछ रहम करो, इस तरह से अक्सर हम लोग बोला करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, यानी सो सो, यानी दिखाइए, सो सम पिटी, सो सम पिटी, यानी थोड़ी दया करो, यानी कुछ रहम करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मत रोको, यानी मुझे मत रोको, यानी किसी चीज करने से आप रोकना चाहते हैं किसी को, तो कह रहा है कि मुझे मत रोको, तो आप इसको कह सकते हैं, डोंट स्टॉप मी, एंड डोंट स्टॉप मी, यानी मुझे मत रोको। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे याद दिलाना, यानी कोई बात है जो मुझे याद दिलाना चाहिए, तो आप कहना चाहते हैं किसी से, मुझे याद दिलाना, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, रिमाइंड मी, रिमाइंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शर्माओ मत, यानी कोई काम है जो करने से शर्मा रहे हैं, तो कह सकते हैं शर्माओ मत, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, डोंट फील साई, डोंट फील साई। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं तुमसे सहमत हूँ, कोई बात है जिससे आप सहमत हैं, यानी मैं तुमसे सहमत हूँ, या मुझे तुमसे इत्तेफाक है, तो इसको आप कह सकते हैं, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, यानी मैं तुमसे इत्तेफाक है। नेक्स्ट सेंटेंस, संकोच मत करो, यानी हिचकिचाहट मत करो, तो आप कह सकते हैं, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, यानी हिचकिचाहट मत करो, संकोच मत करो, जो कहना चाहते हो आप कह दो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या सब ठीक है, यानी किसी से आप पूछना चाहते हैं क्या सब ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं, इज एवरीथिंग गुड, या इज एवरीथिंग फाइन, ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सब कुछ ठीक है, उसका जवाब आप दे सकते हैं, जैसे सब कुछ ठीक है ना, सब बढ़िया है, तो आप कह सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ तो कहो, यानी कोई आदमी है जो खामोश है, आप तो कह रहे हैं कुछ तो भी बोलो, तो आप इसे कह सकते हैं, सेज एनीथिंग। देखिए, से समथिंग से एनीथिंग में ए डिफरेंट है, ये पॉजिटिवली, यानी कुछ कहो, आप किसी से कहना चाहते हैं तो से समथिंग, आप इस तरह से कहें कुछ तो कहो, नेगेटिवली कह रहे हैं तो से एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना ख्याल रखें, यानी अपना ख्याल रखना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बस ठीक है, यानी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो आप कह सकते हैं, जस्ट ओके, यानी बस ठीक है, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ की जगह आप सिर्फ ओनली टेक केयर का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।